नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज फिर से दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे जस्ट पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, और अभी हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? कोई भी परपेंडिकुलर जो पॉइंट होता है, एक डायपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज और उसके परपेंडिकुलर, उस दोनों के जो सेंटर है वहां से कोई परपेंडिकुलर पॉइंट, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। ये फिगर कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, जो एक डायपोल है और उसके जो मिड पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट हमने पी पॉइंट मान रखा है। उस पी पॉइंट पे क्या है, हम पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आए हैं? पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज लेकर आए हैं। कहाँ से लेकर आए हैं? इन्फिनिटी से, जैसा कि पहले आपको बताया हुआ है। एक्सियल पॉइंट पर लाए थे तब भी इन्फिनिटी से लाए थे, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज लेकर आए हैं, वो भी इन्फिनिटी से लेकर आए हैं। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका जो कंपोनेंट्स होंगे वो इस तरीके से होंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस साइड में जाएगी? नेगेटिव अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? ए पे, तो ई ए हो जाएगा। इस पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज से ये पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज पे रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी ई बी। क्यों? क्योंकि ये बी पॉइंट पर रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। इन दोनों के कंपोनेंट्स बनाएंगे, ये एंगल आपका थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ट्रांसवर्स लाइन जो है दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, ऊपर ऊपर वाले दोनों एंगल यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। फिर इसको ई ए और ई बी का कंपोनेंट्स निकाल देंगे। वो कंपोनेंट कैसे होंगे, यहाँ पे कंपोनेंट्स कैसे तोड़ते हैं? जिधर थीटा होता है उधर कॉस जाता है और जिधर थीटा नहीं होता है उधर साइन कंपोनेंट जाता है। तो ई ए की डायरेक्शन नीचे की साइड है, ये वाला जो फिगर है पी ए, जो पी ए की साइड है ई ए, तो ई ए का थीटा की साइड ई ए कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं है तो ई ए साइन थीटा। अब ये जो कंपोनेंट है ई बी कहां से जा रहा है? बी से पी और आगे तक निकल रहा है, ये ई बी कंपोनेंट। ई बी कंपोनेंट को कैसे करेंगे? तो ई बी कंपोनेंट को इधर थीटा की साइड करेंगे तो ई बी कॉस थीटा, और जो इधर थीटा नहीं है तो उधर कहां जाएगा? ई बी साइन थीटा। और यहां पे आप देख पा रहे हैं ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा दोनों अपोजिट और इक्वल हैं। ई नेट हमारा कितना होता है? ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। और ई ए की वैल्यू कहाँ है? दो कंपोनेंट होंगे, ई ए कॉस थीटा, लेफ्ट साइड डायरेक्शन है इसकी ओरिजिन से, ओरिजिन यहाँ पे पी को मानेंगे क्योंकि पी से हमने कंपोनेंट को तोड़ा है, तो पी से लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में ई ए कॉस थीटा है। एक्स एक्सिस में है तो आई कैप, वाई एक्सिस में होगा तो जे कैप, और जेड एक्सिस में होगा तो के कैप। अभी हमारा एक्स एक्सिस में है तो ई ए कॉस थीटा माइनस आई कैप, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। ई ए साइन थीटा किधर है? ई ए साइन थीटा नीचे की साइड है, ई ए साइन थीटा ये वाला है। पी पॉइंट से किधर है? नीचे की साइड है, जो नेगेटिव होता है और ऊपर पॉजिटिव होता है, तो ई ए साइन थीटा नेगेटिव होगा। वाई डायरेक्शन में है तो जे कैप हो जाएगा। ये ई ए की वैल्यू हो गई। और ई बी की वैल्यू, इसके भी दो कंपोनेंट है, ई बी कॉस थीटा और ई बी साइन थीटा। कॉस थीटा कहां पे है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो माइनस आई कैप, और ई बी साइन थीटा पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो पॉजिटिव जे कैप। ठीक है, ई ए और ई बी की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, इन दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो वैल्यू आपकी आएगी। जब इन दोनों की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ई एन बराबर ई ए, ये आपका ई ए हो जाएगा, प्लस प्लस ई बी, ई बी ये इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये बहुत आसान इक्वेशन है। यहां पे एक चीज का बड़े से ध्यान रखेंगे, ई ए बराबर ई बी किसमें? मैग्नीट्यूड में। किसमें? मैग्नीट्यूड में ये बराबर है, इसको हमने ई मान लिया है। इस जगह पे ई लिख सकता हूं ना, इसको एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं और यहीं पे भी कम कर सकते हैं। जब मैं ऐसे करूंगा तो देखिए, ई साइन थीटा माइनस का और ई साइन थीटा प्लस का दोनों कैंसल आउट ही चेदर होंगे, माइनस ई कॉस थीटा माइनस ई कॉस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस टू ई
कॉस थीटा, ये माइनस टू ई कॉस थीटा क्या है, ई नेट है बच्चा, माइनस टू ई कॉस थीटा क्या है, ई नेट है। यहां से हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पाइथागोरस है, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इन ट्राइंगल पी ओ बी, पी ओ बी ट्राइंगल के अंदर ये आर है, ये ए है, ये जेड है, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस बराबर अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस लगा के यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई भी एक ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई ए बराबर ई बी, तो या तो मैं ई बी निकाल लूं या ई ए निकाल लूं, ये ए पॉइंट से मैंने इस पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज पी पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है उसको मैंने ई बोल दिया है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव क्यू से पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है उसको भी मैंने क्या बोल दिया है, ई, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये जो जेड है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है, और फॉर एग्जाम्पल मैं बी पॉइंट से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, यहाँ क्या है आर का बेटा, आर की वैल्यू यहाँ पे है जेड, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी के क्यू बाई जेड स्क्वायर, और जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे आपको दी हुई है, स्क्वायर से अंडर रूट इसका कट जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी ई की आ जाएगी। इसको यहां पे इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, क्या बोलेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन वन, एट माइनस टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, जैसे कि थीटा यहां पे जो दिया हुआ है पे, ये थीटा यही वाला है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालना चाहे तो कैसे निकालोगे, कॉस क्या होता है बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारा जेड है, ये आप इस ट्राइंगल से भी देख सकते हैं, इस ट्राइंगल से भी देख सकते हैं, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस जेड है, तो कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं ए अपॉन जेड लिख सकता हूं, मैंने क्या किया है बेटा यहाँ पे, कुछ नहीं किया है, मैंने के को माइनस के लिख दिया है और टू को ए के पास पहुंचा दिया है, मैंने क्या लिखा है माइनस के इंटू क्यू इंटू टू ए, माइनस के इंटू क्यू इंटू टू ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहले से ही था, ए अपॉन जेड को ए तो मैंने ऊपर लिख लिया है, जेड की वैल्यू मैंने यहां से यहां पुट कर दिया है, जेड की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, अंडर रूट को हम वन बाई टू भी लिख सकते हैं, राइट। डायपोल मोमेंट मैंने आपको बताया हुआ है पी की वैल्यू क्यू इंटू टू ए होती है, आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, आप स्क्रॉल करके वो पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर उसकी डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी जो q इंटू टू ए है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर वन बाई टू, तो वन प्लस वन बाई टू इसकी पावर हो जाएगी, ये पावर आपकी एड हो जाएगी, तो वन प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू, ये पावर आपके 3 बाई टू, अब वही कंडीशन आएगी जो मैंने आपको बताया था फॉर अ स्मॉल डायपोल, एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे छोटे डायपोल के लिए, जो ए वैल्यू है जो 2a है, डायपोल हमारा बहुत छोटा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज बहुत छोटी दूरी पर रखे हुए हैं, तो 2a हमारा बहुत छोटा है, और 2a बहुत छोटा है तो a तो और भी ज्यादा छोटा होगा, क्या बताया, फॉर अ स्मॉल डायपोल एक कंडीशन लेंगे यहाँ पे स्मॉल डायपोल के लिए, r की वैल्यू जो है हमारे a से ग्रेटर देन बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो a टेंस टू जीरो मान लेंगे, a की वैल्यू जीरो के बिल्कुल नजदीक होगी, टेंस टू जीरो का मतलब है टेंस टू जिसकी तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है, वीर तुम बढ़े चलो, तो a हमारा यहाँ पे वीर है, ये बढ़ता ही जा रहा है किसकी तरफ, जीरो की तरफ, तो हमने इसको जीरो ही मान लिया, तो ई एन बराबर माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, ए की जगह पे जीरो हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, यहाँ पे गौर से देखिए, मैं अगर इस जीरो को यहाँ से हटाता हूँ, जीरो का कोई महत्व तो नहीं है एडिशन में, तो ये अपॉन में टू और ये इसका टू कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका आर क्यू, इस तरीके से आपका फाइनल फॉर्मूला दिखाई देगा, ई एन बराबर माइनस के पी अपॉन आर क्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया डायपोल मोमेंट होता है, पी की वैल्यू वैक्टर होती है, तो वैक्टर लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्टर पता करने के लिए, और इसकी जो यूनिट है बताया था फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो न्यूटन पर कूलम।
इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इसकी वैल्यू फोर्स अपॉन चार्ज होती है। तो ये इसका फाइनल डेरिवेशन है। दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। उसी के साथ साथ इसको पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं।